हेलो बच्चों, कैसे हैं? पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है पढ़ेंगे सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया के बारे में आज हम देखेंगे। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक गैल्वेनिक सेल में वैद्युत धारा की उत्पत्ति कैसे होती है, किसके कारण होती है? तो हमने बताया था रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है। तो जो रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, उसी रेडॉक्स अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेल अभिक्रिया कहते हैं। उस सेल की क्या कहते हैं? सेल अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है एक गैल्वेनिक सेल में वैद्युत धारा की उत्पत्ति एक रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस रेडॉक्स अभिक्रिया को ही उस सेल की सेल अभिक्रिया हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सेल अभिक्रिया हमें क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन आपका दिया होगा कि एक गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन किया होगा, दिया होगा, और उसको कहेगा उसकी सेल अभिक्रिया लिखिए, उसकी अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए, और उसकी जो है शुद्ध सेल अभिक्रिया लिखिए या पूर्ण अभिक्रिया लिखिए। तो एक कहेगा अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए, और फिर दूसरा क्वेश्चन उसी में बनाएगा क्या, कहेगा उसकी पूर्ण सेल अभिक्रिया या शुद्ध सेल अभिक्रिया भी दीजिए। आपको गैल्वेनिक सेल दिया होगा, तो मैंने आपको गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन बताया था पिछले वीडियो में। तो बताया था गैल्वेनिक सेल में एनोड को पहले लिखा जाता है और कैथोड को बाद में लिखा जाता है, है ना? एक गैल्वेनिक सेल में एनोड को पहले लिखा जाता है और कैथोड को बाद में लिखा जाता है। कैथोड और एनोड के बीच में हम क्या करते हैं, जो उसकी अर्ध अभिक्रिया लिखते हैं, उसके बीच में हम क्या करते हैं, एक डबल जो है खड़ी पाई लगाते हैं, जो कि साल्ट ब्रिज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमने बताया था जो गैल्वेनिक सेल होता है उसका जो एनोड होता है वो निगेटिव होता है, और जो इसका कैथोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एनोड गैल्वेनिक सेल का निगेटिव होता है, कैथोड गैल्वेनिक सेल का पॉजिटिव होता है। एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ, प्रत्येक गैल्वेनिक सेल की अर्ध सेल अभिक्रिया तथा शुद्ध सेल अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए, पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। क्या दिया है, ZN सॉलिड एक खड़ी पाई, आपका ZN डबल पॉजिटिव एक्वास, फिर डबल खड़ी पाई है, ये गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन है, फिर डबल खड़ी पाई है, Cu डबल पॉजिटिव एक्वास है, और Cu सॉलिड आपका है। तो इसका हमें कैसे सेल रिएक्शन अभिक्रिया कैसे देना है, पहले अर्ध सेल अभिक्रिया इसकी लिखनी है और फिर इसकी शुद्ध सेल अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो देखिए, यहां से आपको पहले देखिए यहाँ क्या है, यहाँ से आप देखेंगे अगर, तो ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे, इसी क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं पहले। तो ZN का क्या हो रहा है, देखिए ZN का यानी कि जीरो ऑक्सीडेशन नंबर से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, डबल पॉजिटिव, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्या, डबल पॉजिटिव से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए जीरो हो रहा है, डबल पॉजिटिव से यहाँ जीरो हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले हम ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को लिखते हैं, यानी जो पहले दिया उसको पहले लिखते हैं और जो बाद में दिया उसको बाद में लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, देखते हैं पहला, ये क्वेश्चन आप यही लिखेंगे, हम इसको हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ ZN जो आपका सॉलिड है ये किसमें चेंज हो रहा है, अर्ध अभिक्रिया के रूप में ऐसे लिखेंगे हम, ZN जो आपका सॉलिड है ये ZN पॉजिटिव के फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो ये एक्वास बना रहा है, क्योंकि ये सॉलिड है एक्वास बना, ये डबल पॉजिटिव है, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इसी को कहते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध या ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऐसा लिखनी चाहिए, ऑक्सीडेशन इस तरीके से, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया।
दूसरा आपका क्या है, दूसरा देखिए सी यू डबल पॉजिटिव से सी यू में चेंज हो रहा है, ऐसा आप लिखिए। तो यहाँ क्या है, सी यू डबल पॉजिटिव एक्वास इसका है और इसमें किसमें चेंज हो रहा है, ये आपका सी यू सॉलिड में चेंज हो रहा है। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहा है, सी यू सॉलिड में चेंज हो रहा है, यानी कि प्लस से जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा ना, तब इसमें चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे इसको। ये आपका क्या हो गया, दूसरा अर्ध सेल का हो गया, ये पहला अर्ध सेल आपका हो गया प्रदर्शन ये, ठीक है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें भी दो, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपके बैलेंस है। अब इसको हम प्योर सेल अभिक्रिया कैसे देखेंगे, इसको प्योर सेल रिएक्शन इसका कैसे, शुद्ध सेल अभिक्रिया कैसे देखेंगे, इसी को आप जोड़ लेंगे, इधर वाले को इधर जोड़ लेंगे, इधर वाले को इधर आप जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इधर आप जोड़ लीजिए, पहले क्या आपका देखिए जेड एन सॉलिड है और प्लस क्या है आपका सी यू डबल पॉजिटिव एक्वास, ये हो गया। इस साइड को जोड़ लो पहले, लेकिन जो ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे पहले जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जेड एन आपका जो है एक्वास हो गया और ए आपका क्या हो गया, सी यू सॉलिड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देखिए दोनों में बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, प्योर सेल रिएक्शन, इसी को हम कहते हैं शुद्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये आपकी अर्ध अभिक्रिया हुई दोनों, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया, एक जो है रिडक्शन की, और ये जब दोनों को आप जोड़ देते हैं तो इसी को हम कहते हैं प्योर सेल रिएक्शन कहते हैं, या कंप्लीट सेल रिएक्शन इसको कहते हैं, पूर्ण सेल अभिक्रिया इसको हम कहते हैं। देखिए गैलेनिक सेल से ये आपका क्या हो गया, सेल अभिक्रिया ये लिख दिया गया, गैल्वेनिक सेल से सेल अभिक्रिया, कितना आसान है इसको लिखना, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, इसको आप नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, हो गया ये, चलिए इसको देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को। दूसरा वाला आपका क्वेश्चन ये है, इसको अब लेते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, इसको पुट अप हम करते हैं, यहाँ से रखते हैं वहां। देखिए यहाँ क्या रहा, वही चीज जो इसमें हुआ था वही चीज यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी जीरो से क्या हो रहा है, प्लस दो हो रहा है, यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है आपका, प्लस एक से क्या हो रहा है, जीरो, प्लस एक से जीरो, यहाँ क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है। चलिए इसके सेल अभिक्रिया लिखते हैं, तो पहले इसी को लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे पहले, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, आपका एनोड पर होता है, चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, जेड एन सॉलिड से क्या हो रहा है आपका, जेड एन पॉजिटिव, भाई दो पॉजिटिव है तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन, ऐसे शॉर्टकट में ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, है ना, ये हो गया आपका। दूसरा आपका क्या होगा, ये कहाँ होता है आपका ऑक्सीडेशन, एट एनोड पर ही तो होता है, चलिए कोई एनोड और लिखता कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। यहाँ आपका क्या है, एजी पॉजिटिव से, एजी पॉजिटिव जो एक्वास है ये कहाँ चेंज हो रहा है, एजी पॉजिटिव से, एजी पॉजिटिव से कहाँ चेंज हो रहा है, एजी में, एजी सॉलिड में चेंज हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर एजी पॉजिटिव है और ये एक पॉजिटिव से जीरो हो रहा है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन खा रहा है यहाँ पर ना, एक इलेक्ट्रॉन एक खा रहा है तब हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हो गया ये, है ना, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हो गया ये। अब देखिए इसको, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भाई दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो बराबर होने चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन जो है ये खिलाएगा उतना इलेक्ट्रॉन ये खाएगा भी, तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ हम क्या करते हैं इसमें दो से गुणा कर लेते हैं, है ना। अब इसको दो से आप जो है गुणा कर लीजिएगा, तो जब इसको दो से आप गुणा कर देंगे, हाँ इस समीकरण में क्या कर देंगे आप, दो से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टू ए जी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये टू ए जी आपका हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं, अब जोड़ लेंगे तो क्या होगा, जेड एन आपका सॉलिड हो जाएगा और प्लस ए टू ए जी पॉजिटिव एक्वास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर जेड एन टू पॉजिटिव और ये आपका एक्वास और प्लस टू ए जी,
ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसी को हम कहते हैं क्या, प्योर सेल रिएक्शन, है ना, शुद्ध सेल अभिक्रिया इसी को हम कहते हैं। ये आपका सॉलिड है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नहीं, इसको इसको जो है आप खुद करेंगे, इसको आप खुद करेंगे, बताएंगे हमें, इसको आप खुद करेंगे, क्योंकि यहाँ जैसे कॉपर का था वैसे यहाँ पर निकिल का, एक सिल्वर का यहाँ कॉमन है, ठीक है। तो ये तीसरा वाला आप खुद करके इसको जो हमें बताएंगे, खुद करेंगे। हम चौथा वाला जो है कर देते हैं, तो चौथा वाला करेंगे, तो ये हो गया आपका चौथा वाला, हम करते हैं। चौथा वाला देखिए यहाँ क्या है, Cu कॉपर का क्या हो रहा है, Cu3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल पॉजिटिव से लेड है, लेड का डबल पॉजिटिव से जो है लेड न्यूट्रल में चेंज हो रहा है। तो ये देखिए रिएक्शन, तो क्या हो रहा है, पहले इसमें Cr सॉलिड से क्या हो रहा है, Cr3 पॉजिटिव में हो रहा है ना, यही तो है यहाँ पर, यानी कि ये जीरो से प्लस तीन हो रहा है, यानी तीन इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है, ये थोड़ा। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या हो गया ये, ठीक है। पहला कहाँ होता है, ये एनोड पर होता है, चलो ये लिखना नहीं है। दूसरा आपका क्या है, इसमें देखिए Cu लेड डबल पॉजिटिव से, ये आपका एक क्वास है, ये लेड डबल पॉजिटिव से क्या हो रहा है, ये लेड में चेंज हो रहा है। लेकिन ये कैसे, यहाँ डबल पॉजिटिव है तो दो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, तब ना हो रहा है इसमें। तो ये आपका क्या हो गया है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया। या ओ एच सी लिखिए या आर एच सी लिख लीजिए, तो ये अर्ध अभिक्रिया हो गए आपके ये वाले। अब देखिए इसमें चूंकि दो इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नंबर्स बराबर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कब बराबर होंगे, जब इसमें क्या करेंगे आप, दो से गुणा करेंगे, तब ये दो तिहाई छह होगा, तब ये बराबर हो जाए इलेक्ट्रॉन। और यहाँ आप क्या करेंगे, तीन से गुणा करेंगे, यहाँ आप क्या करेंगे, तीन से गुणा करेंगे यहाँ, तब ये तीन गुणा छह इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो पूरे समीकरण में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, है ना, पूरे समीकरण में गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर यहाँ आपका क्या जाएगा, देखिए 2Cr आपका सॉलिड हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो गया, 2Cr 3 पॉजिटिव और प्लस ए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही वाला यहाँ चलाया, इसमें गुणा करिए, ये आपका हो गया 3Pb डबल पॉजिटिव एक्वास, और यहाँ आपका क्या हो गया, प्लस 6 जो है इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन बराबर है, और इधर क्या आपका हो रहा है, 3 जो है पीबी सॉलिड, ठीक है, ये दोनों आ गए यहाँ। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो सीरियल से रखते हैं 2Cr आपका सॉलिड, और प्लस क्या हो जाएगा, 3Pb डबल पॉजिटिव एक्वास, और इस साइड पर आपका क्या हो गया, 2Cr 3 पॉजिटिव और प्लस ये आपका एक्वास है, ये एक्वास है, ठीक है, और ये प्लस 3Pb सॉलिड, ठीक है, ये हो गया, यही आपका क्या हो गया, प्योर सेल रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये प्योर सेल रिएक्शन आपका हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन छह छह बराबर है यहाँ, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप करके बताइएगा, ये आपका हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, इसमें आपका दिया रेडॉक्स अभिक्रियाओं के संगत गैल्वेनिक सेलों की स्थापना कीजिए, है ना, ये क्वेश्चन है। हाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक उसमें हम करेंगे, एक स्वयं आप करेंगे। वीडियो चल रहा है, हाँ चल रहा है, देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के संगत निम्न रेडॉक्स अभिक्रियाओं के संगत, रेडॉक्स अभिक्रिया आपका दिया होगा, संगत गैल्वेनिक सेल की स्थापना कीजिए, संगत गैल्वेनिक सेल की स्थापना
कीजिए, ठीक है, स्थापना कीजिए। निम्न रडार सब क्रियाओं के संगत गैल्वेनिक सेल का स्थापना कीजिए। तो दो इसमें क्वेश्चन दिया गया है। पहला आपका क्वेश्चन इसमें है, क्या है, CU सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वास, और गिव्स आउट इधर दिया है CU डबल पॉजिटिव एक्वास और प्लस क्या है यहाँ 2Ag, है ना, ये दिया गया है सॉलिड। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कोबाल्ट सॉलिड और प्लस उसके साथ में दिया गया है आपका पैलेडियम डबल पॉजिटिव। ये पैलेडियम है पीडी डबल पॉजिटिव और इधर आपका दिया है कोबाल्ट डबल पॉजिटिव और इधर दिया आपका पीडी जो है सॉलिड, है ना। ये दो क्वेश्चन है, इसको आपको किस रूप में लिखना है, गैल्वेनिक सेल के रूप में लिखना है। तो पहले इसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है आप जो है इसको लिखेंगे पहले, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे आप बराबर है कि नहीं बराबर है, पहले ये चीजें आप इसमें जो है देख लेंगे। ठीक हो गया क्वेश्चन। तो देखिए पहला इसका जो है हाफ सेल ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ, इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए ये इसमें क्या हो रहा है, CU का CU डबल पॉजिटिव में हो रहा है ये चेंज, है ना, इसी में तो हो रहा है चेंज। तो इसको आप लिख लेंगे, क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिए, चाहे CU सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वास और इधर क्या है CU पॉजिटिव डबल एक्वास और प्लस 2Ag सॉलिड। ये क्वेश्चन है पहला वाला, इसको आप हल करेंगे। तो पहले क्या खोजेंगे आप, किसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, पहले देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा। तो अर्ध क्लियर इसके लिखिए CU सॉलिड से किसमें चेंज हो रहा है, CU एक्वास में, है ना। तो ये यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो ये इसकी अर्ध क्रिया हो गई आपकी ऑक्सीडेशन, हाफ सेल का रिएक्शन हो गया। यहाँ पर दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 2Ag पॉजिटिव एक्वास से क्या हो रहा है, ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन को ये दो निकाल रहा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, चूंकि आगे दो लगा भी है। तो ये आपका क्या हो गया 2Ag सॉलिड हो गया, ये आपका क्या हुआ रिडक्शन हाफ सेल हो गया। ठीक है, इतना तो आया आपको समझ में। यहाँ ऐसे पहले आप ऑक्सीकरण अर्धक्रिया लिख लेंगे और फिर आप चयन अभिक्रिया लिख लेंगे। अब जो है इसको क्या करेंगे, हम इसका गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन कैसे करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन कैसे करेंगे आप, यहाँ कैसे लिखेंगे, देखिए हमने बताया था इतना बटे इतना आपका लिएगा, तो क्या होगा CU, है ना, CU सॉलिड एक खड़ी पाई क्या होगा CU डबल पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, ऑक्सीडेशन को हम पहले लिखते हैं। ऑक्सीडेशन आपका कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एट एनोड पर होता है। तो एनोड को हम पहले लिखेंगे ना, यही हमें पता करना होगा एनोड कौन होगा, एनोड को हम पहले लिखेंगे। ये आपका रिडक्शन हो रहा है, ये एट क्या होगा, एट कहाँ होता है, कैथोड पर क्या होता है आपका रिडक्शन, चूंकि ये क्या है कैथोड पर, यहाँ रिडक्शन हो भी रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है एट एनोड पर क्या हुआ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सी जो रिडक्शन आप ऑक्सीडेशन है उसको हम पहले लिखेंगे उसको, तो इतना बटे इतना, फिर डबल खड़ी पाई लिखेंगे तो इतना बटे इतना, तो 2Ag जो है पॉजिटिव एक्वास आप लिखेंगे और प्लस 2Ag, क्योंकि ये आपका क्या है एनोड को हम पहले लिखते हैं, एनोड माने निगेटिव वाले को, और कैथोड वाले को हम क्या लिखते हैं बाद में लिखते हैं, यानी कि पॉजिटिव वाले को बाद में लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया सेल प्रदर्शन हो गया। ठीक है, तो दूसरा वाला खुद करेंगे आप, दूसरे वाले को आप जो है खुद बनाएंगे इस क्वेश्चन को,
तो दूसरा वाला आप खुद करेंगे इस तरीके से, आप करके जो है इसका प्रदर्शन जो है कर लेंगे। ठीक है, तो बस यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को बढ़िया से इसको देखें। थैंक यू।